Hello everyone, my name is Dr. Jyoti Tiwari. I am a homeopathic practitioner. Friends, जैसा कि मैं लास्ट जो मेरे टॉपिक्स थे उसी से रिलेटेड मैं एक सीरीज लेके चल रही हूँ एंड टुडे आवर टॉपिक इज एंगर. हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगर इन अवर हेल्थ. अगर हम गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं तो उसका हमारे हेल्थ पे क्या असर आता है और हमें एक्चुअल में एंगर के साथ किस तरह से कंट्रोल करना है, राइट. एज आई टोल्ड यू आई एम अ होम्योपैथ. तो जो होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं वो पेशेंट की मेंटल कंडीशन को लेते हुए उसमें ट्रीटमेंट करते हैं. और अगर पेशेंट मेंटली मेडिकेशन के थ्रू रिलैक्स नहीं हो रहा है, जो हमारा केस टेकिंग है, जो हमारी सिमिलिमम है, हमें उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रही है, वी शुड नीड टू वर्क ऑन पेशेंट इमोशंस कि पेशेंट क्या फील कर रहा है. तो उसके लिए हमें उसे सिंपथाइज करना, उसे कंसोल करना एंड उसे एक प्रॉपर एजुकेशन देना कि वो किस तरह से अपनी इस इमोशन के साथ डील करे. एंगर इज़ अ टाइप ऑफ इमोशन. ये हमारे हर पर्सन की बिहेवियर में, पर्सन की मेंटालिटी में एंगर होता है. जिस तरह से हम सरप्राइज होते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉयफुल होते हैं, दूसरे हमारे जो अदर इमोशंस हैं हम शो ऑफ करते हैं, दैट इज़ सेम. एंगर भी बिल्कुल उसी तरीके से है. और एंगर को, एंगर होना इज़ नॉट अ गिल्टी, राइट. अगर आपको गुस्सा आता है इट्स नॉट मीन कि आप उसको गिल्ट फील करें, लेकिन उसका एक लेवल होता है. अगर एंगर का जो लेवल है वो हाई है, पीक पे जा रहा है, या उसका आउटबर्स्ट है, वो छोटे छोटे स्मॉल लिटिल ट्राइबल्स मैटर्स पे हो रहे हैं, छोटी बातों पे आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, और उस गुस्से की वजह से जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कुछ हमारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो लगातार हमें देखने मिलती हैं, और इस तरह के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं अगर अगेन एंड अगेन हमारे पास आते हैं, जैसा कि अगर आप बहुत एंगर करते हैं उसके बाद आपको बहुत इरिटेबिलिटी फील होती है, एन्जाइटी फील होती है, कुछ लोगों को स्वेटिंग होने लगती है, कुछ को ब्रेथलेसनेस फील होने लगती है, और कई बार जब इसका कंट्रोल हम नहीं करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, फिर हमारे वो एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाता है, एक बीमारी का नाम बन जाता है. ये साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं फिर हम एक बीमारी के नाम से हम उनको कॉल करते हैं. एंड वी से कि उस गुस्से की वजह से बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. तो यहाँ पे आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि एंगर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए. क्या ये हमारे कंट्रोल में है, या फिर हमें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है, या फिर किसी ऐसे स्पेशलिस्ट या किसी ऐसे डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए, या हमें क्लिनिक टू क्लिनिक विजिट करनी चाहिए कि हमारा एंगर कंट्रोल. तो फर्स्ट आई वॉन्टेड टू टेल यू कि एंगर हमारा ही इमोशन है, राइट. जिस तरह से चीज़ें आपके अगर अंदर होती हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, उसी तरीके से एंगर हमारा एक इमोशन है. और अगर वो निकल के आता है और हमें एंगर फील हो रहा है तो हमें उसके साथ जस्टिस करना है. फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्रेस योर एंगर. हमें अपने गुस्से को हमेशा एक्सप्रेस आउट करना है, बट उसका क्या लिमिट है ये हमें पता होना चाहिए. और अगर लिमिटेशन नहीं आ रही, हमारा जो गुस्सा है, हमारी जो एंगरनेस है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो जो हमारा पर्सनैलिटी है वो डिटेरियोरेट हो रहा है. और हमें अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना है. इफ़ वी आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली फिट, इंटरनली हमारा जो पूरे हमारे सिस्टम है, हमारा बॉडी है, हमारा माइंड है, अगर वो रिलैक्स है, फिजिकली अगर हम बाहर से भी हेल्दी हैं, कोई आउटर वर्ल्ड में हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हम हमेशा हेल्दी फील करते हैं और हमें भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हमें नहीं होते हैं. तो यहाँ पे एंगर को कंट्रोल करने के लिए मैंने कुछ वर्कआउट किया है, कुछ स्मॉल ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स निकाली हैं, कुछ मेथड को स्टडी आउट किया है और वहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलता है. तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. तो फ्रेंड्स, अगर गुस्सा आता है, कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं, मेनली जो मेरी फीमेल पेशेंट्स आती हैं, तो जब उनसे बात होती है तो दे सेड टू मी कि हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, हम इसके लिए क्या करें. एंड जब मैं और गो थ्रू होती हूँ आगे और पूछती हूँ उनसे, तो पता चलता है कि जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं, जो हमारी फैमिली लाइफ है, उसमें हम इतने ओवरबर्डेड हैं कि हमें हमारे गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता, और उस गुस्से का लेवल ऐसा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है कि उसका आउटबर्स्ट बहुत बुरा होता है. उसमें चीज़ें भी फेंक सकता है पेशेंट, फेंकता ही है जनरली, देख कंप्लेंट कि हम चीज़ें फेंकते हैं गुस्से में, या कुछ तोड़ फोड़ दिया, या बच्चों को मार देना, या
कई बार जब आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं आपको पता नहीं चलता। तो वहां पे सबसे पहले जो है आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना ही है, एंगर को सप्रेशन नहीं करना है, एंगर को छुपाना नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। हर कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि ये हमारा इमोशन बाहर निकल के आता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू एक्सप्रेस योर एंगर, अपने गुस्से को दिखाएं। आप अगर कुछ बुरा फील हो रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग नेगेटिव रिलेटेड टू सिचुएशन, रिलेटेड टू योर कंडीशन, रिलेशनशिप, आप एक्सप्रेस आउट करें, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो मेरा टिप है फ्रेंड्स, कि हमेशा अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो बेस्ट थिंग है वो है कि प्री प्लान्ड होना। अगर आपको पता है कि मुझे आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, तो आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा, उसमें सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह से कंट्रोल करूं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, शो योर एंगर, पहले तो अपने गुस्से को हमेशा एक्सप्रेस आउट करना है, राइट? एंड सेकेंड वन इज, अगर आपको गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर है, आपने शो किया लेकिन उसका जो लेवल था वो यहाँ से यहाँ था, उसका लेवल बहुत हाई था, और आप ये फील कर रहे हो कि यस मुझे गुस्सा जो पहले आता था उससे ज़्यादा आ रहा है, राइट? तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करने हैं कि आपका गुस्सा वहाँ निकल जाए। लाइक आप कुछ स्वेट रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, लॉस योर स्वेट, पसीना बहाएं, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन को लेकर के, आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइक आप एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, मेडिटेशन कर सकते हैं, इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिलैक्स योर माइंड, राइट? तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप स्वेट आउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज टू शो योर एंगर एंड सेकेंड वन इज एक्टिविटीज, ठीक है? एंड देन इसके बाद भी अगर आप देखते हो कि आपको अपने इस इमोशन पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, देन यू कैन रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। जब भी ऐसी किसी कोई सिचुएशन हमारे सामने बनेगी, ये हमें खुद को फील कराना है, खुद को लर्न करा रहा है, जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं ना, लर्न करो, वी नीड टू लर्न इट, कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, ऐसी कंडीशन आती है कि हमें गुस्सा आता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे माइंड को ट्रिगर करते हैं, हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता हमारे एंगर पे। बट वी नीड टू कंट्रोल इट, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स को हार्म कर रहा है। तो हमें वहाँ पर अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू गो अलोन, आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर चले जाएं, उस पर्सन से, उस कंडीशन से, उस फाइट से, उन बातों से थोड़ा सा दूर चले जाएं। एंड देन थिंक, सिट टू बी क्वाइट, शांत होकर बैठ के विचार करें कि यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन था, इज इट गुड? या आपने रिएक्शन अगर नहीं दिया है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है एंड यू वॉन्टेड टू एक्सप्रेस योर एंगर, तो हमें क्या बोलना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर अगर आप बैठ के 2 मिनट, 4 मिनट थोड़ा सा सोचते हैं, तो यू विल फील बेटर कि अब हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। यू नीड टू बी क्वाइट समटाइम्स, हमेशा नहीं, बट कभी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप पीक पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा शांत होना है और अकेले जा करके बैठना है। एंड देन थिंक बिफोर स्पीकिंग, कभी भी कुछ भी आंसर करने से पहले, आजकल हमारा जो इस एरा में हमारा एक बिहेवियर बन रहा है, निकल के आ रहा है, उसमें हमें आंसर देने की बहुत आदत होती है, क्योंकि हमें वी फील कि हम परफेक्ट हैं चीज़ों को लेके, या हमें बहुत नॉलेज है। बच्चा हो वो भी ऐसा फील करता है, फीमेल्स हैं वो भी फील करती हैं, दे आर एजुकेटेड, दे आर वर्किंग, तो समटाइम्स उनके अंदर भी ये इमोशंस एक ईगो को लेके डेवलप हो जाता है। हमारे मेल्स हैं उनमें तो ऑलरेडी डेवलप ही होता है, तो वहाँ पे हमारी एक आंसर करने की आदत है। बट इट्स नॉट गुड और इट्स नॉट राइट कि हम हमेशा आंसर दें और हम सही हों। तो थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले हम अगर एक बार सोचेंगे, अगर हम अपनी एक ऐसी हैबिट डालेंगे, ये एकदम से नहीं आती फ्रेंड्स, ये वर्क करने पे आएगी। दीज आर जस्ट टेक्निक्स, मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ, अगर हम इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे, काम करेंगे, तो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। जैसे कि हम अगर बच्चों को टेबल लर्न कराते हैं, बच्चों को हम 12 खड़ी अब इस तरह से स्टडीज कराते हैं, तो वहाँ पे हम लर्न कराते हैं, का से ज्ञा तक हम बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरह से हमें भी सीखना है कि हमें अपने इमोशंस के साथ किस तरह से वर्क करना है, राइट? तो थिंक बिफोर स्पीक।
जब भी बोले आप दो बार सोचो। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों से हेल्प नहीं मिल रही है तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जब भी हमें बहुत गुस्सा आता है या हमें बहुत हर्टेड फील होता है तो वहाँ पे आपको काउंटिंग बहुत हेल्प करती है। कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, कोई इमोशन है जहाँ पे आप फंस गए और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, यू वांटेड टू एक्सप्रेस, आप काउंटिंग का ख्याल रखें, 1 से लेकर के 10 तक 50 तक 100 तक काउंटिंग करें एंड देन गिव योर आंसर। तब तक आपका जो इमोशनल स्टेटस है वो कूल डाउन हो चुका होगा, आपका जो हार्मोन है जो आपको एक्साइट कर रहा है आंसर देने के लिए वो आपको शांत कर देगा, वो थोड़ी देर के लिए पीक पे जाएगा देन नॉर्मल आएगा। तब तक आपको आंसर देने का, रिएक्ट करने का जो वे होगा वो चेंज हो चुका होगा। तो यू नीड टू काउंट सम काउंटिंग्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 50, 1 to 100, जितने में आपको बेटर फील हो सके, राइट। आफ्टर दैट टॉक अबाउट योर इमोशन एंगर, गुस्से के बारे में बात करें। फ्रेंड्स किसी भी इमोशन को छिपाना या किसी भी इमोशन को सप्रेस करना इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ एंड अवर लाइफ। सो अगर हमें किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके गुस्सा आ रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करें, अपने नेचर के बारे में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने सराउंडिंग्स को बता के रखें कि इन चीज़ों से मुझे ट्रिगर होता है, ये चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, तो वहाँ पर आपको वैसे सिचुएशन को कम से कम फेस करना पड़ेगा, राइट। तो चीज़ों को एक्सप्रेस आउट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं, कंडीशंस बताई हैं, यहाँ पे कई बारी ये भी हेल्पफुल नहीं होते, देन फिर हम क्या करें। कई बारी हम ये सारी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद भी फील पेशेंट आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम तो गुस्से में काउंट ही नहीं कर पाते हैं, या हमसे नहीं होगा, हम अकेले जाके नहीं बैठेंगे, वी वॉन्ट टू गिव रिएक्शन, हम तो बोलेंगे, राइट। तो वहाँ पे जब ऐसा होता है तो हम क्या करें, देन आई विल टेल यू कि जब ज़रूरत ही नहीं है कि जब गुस्सा आए तब ये प्रैक्टिस करें, आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखें, हम अपने इमोशंस को क्यों कंट्रोल करें, राइट। तो जब हम अपने इमोशंस पे ही वर्क करेंगे तो हमारा इमोशन हमें कंट्रोल करने के लिए बोलेगा ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कंट्रोल में रहेंगे। तो वहाँ पे हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, टेक डीप ब्रेथ फॉर 5 मिनट 10 मिनट एज यू कैन डेली, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले, तो यू शुड टेक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक दिस, डीप इंस्पिरेशन एंड डीप एक्सपायरेशन। जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा अपने आप में बहुत अच्छा कंट्रोल आता है। इसको मैं मेडिटेशन से भी जोड़ सकती हूँ कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, हमारा माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। उसी से रिलेटेड ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है कि हमें फील करना है कि हम पॉजिटिव इमोशंस को अंदर ले रहे हैं और नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं। दिस विल हेल्प यू अलॉट एंड आफ्टर दैट फाइंड अ सोल्यूशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइंड आउट द सोल्यूशन। एक केस बताती हूँ, कल ही मेरे पास दो पेशेंट्स थे, फीमेल पेशेंट थी दोनों, एंड दे केम टू माई क्लिनिक एंड सेट कि टेंशन बहुत होता है और बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते। देन आई आस्क कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या है ऐसा, तो बोलते बस पूरा दिन घर के काम, बच्चे, सारी चीज़ों में बिजी रहो, अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइंड आउट द सोल्यूशन कि क्यों टाइम नहीं है, जब बेबी नहीं था तो भी आपकी लाइफ चल रही थी, हस्बैंड नहीं थे तो भी आपकी लाइफ चल रही थी, डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, राइट। तो हमारे प्रति भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखें। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को ही मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एंगर ज़्यादा आ रहा है मतलब आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो फाइंड आउट द सोल्यूशन कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर इतना सारा वर्क है, सारी चीज़ें हैं, तो हम अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकालते। तो मेरा एक ही आंसर था कि प्रॉब्लम होगा ही बिकॉज आपको अपने लिए सोल्यूशन नहीं निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। आप वर्क करें, आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है, द फेवरेट थिंग यू लाइक मोस्ट, चाहे वो खाने की हैबिट हो, चाहे वो वर्कआउट की हैबिट हो, गार्डनिंग की हो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होते हैं, हर इंडिविजुअल का अपना एक लाइकिंग होता है। तो उस तरह से कोई भी लाइकिंग अगर आपके पास है, आपका कोई फेवरेट वर्क है, उसके लिए 10 मिनट
ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करें कि मैं 10 मिनट अपने मन का काम करूँगी, 15 मिनट करूँगी, हाफ एन आवर करूँगी, यू विल फील गुड। क्योंकि एक्चुअली जो लाइफ हम जीते हैं इंडिविजुअली जीते हैं, हम अपने लिए ही जीते हैं, बच्चे या फैमिली जिसके लिए भी हम कुछ करते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच।